क्वेश्चन नंबर 6, औपनिवेशिक शासन के दौरान एक राष्ट्र के रूप में भारत के उभार की प्रक्रिया को रेखांकित करें। क्या आपको ऐसा नहीं लगता उस दौर में भी एक राष्ट्र के रूप में भारत को लेकर कई अवधारणाएं एक दूसरे से टकरा रही थी? अगर इस प्रश्न को देखें तो अगर इस प्रश्न को देखें तो पहला डायमेंशन प्रश्न के दो पार्ट हैं, नहीं? पहला पार्ट क्या है? तो पहला पार्ट जो है ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड इमर्जेंस ऑफ इंडिया, ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड इमर्जेंस ऑफ इंडिया एज ए नेशन, नहीं? और प्रश्न का दूसरा पार्ट क्या कहता, नहीं? वेरियस कंसेप्ट ऑफ इंडिया वेरियस कंसेप्ट ऑफ इंडिया एज ए नेशन तो इमर्जेंस ऑफ इंडिया एज ए नेशन की बात करें तो इसका संबंध है ब्रिटिश चैलेंजेस से जाकर जुड़ता, ब्रिटिश चुनौती से जाकर के जुड़ता, नहीं? और यह ब्रिटिश चुनौती जो है वह किस रूप में सामने आती, नहीं? मेयर ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन एंड नॉट अ नेशन। अंग्रेज क्या कहते थे, भारत भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र है, भारत एक राष्ट्र नहीं है। और ऐसा कहने का आधार क्या था, ऐसा कहने का बेसिस क्या था? Thank you.
वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ नेशन, वन लैंग्वेज, वन एथनिसिटी एंड वन रिलीजन. नहीं, और अगर इस परिप्रेक्ष्य में हम जाकर के देखें तो इसी के परिप्रेक्ष्य में, इस बैकग्राउंड में क्या होता, इंडिया एज ए नेशन, इसी बैकग्राउंड में एक राष्ट्र के रूप में भारत का आविर्भाव होता है. नहीं, और एक राष्ट्र के रूप में भारत के आविर्भाव के मूल में क्या है, कंफ्लिक्ट ऑफ इंडियन इंटरेस्ट विथ दैट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल इंटरेस्ट. यही कंफ्लिक्ट है इंडिया को एज ए नेशन इमर्ज करने में मददगार साबित होता. क्योंकि अगर हम देखें इस इमर्जेंस का, अगर आप देखें तो एक इमोशनल बैकग्राउंड है, और इस इमर्जेंस का एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक बैकग्राउंड है. अगर इसके इमोशनल बैकग्राउंड की बात करें तो इसका संबंध फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के पहले हाफ से जाकर जुड़ता, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से, जहां पर औपनिवेशिक सत्ता का, औपनिवेशिक शासन का सांस्कृतिक स्तर पर प्रतिरोध क्या करता है, औपनिवेशिक शासन का सांस्कृतिक स्तर पर प्रतिरोध जो है वह कहीं ना कहीं भारत को भावात्मक धरातल पर जोड़ने की कोशिश करता, भारत को सांस्कृतिक धरातल पर जोड़ने की कोशिश करता है. और भारत को भावात्मक सांस्कृतिक धरातल पर जोड़ने की यह जो कोशिश हो रही है, ऐसा नहीं कि अचानक सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के दौरान दिखाई पड़ता. भारत को भावात्मक धरातल पर, सांस्कृतिक धरातल पर जोड़ने की यह कोशिश, इसके पहले अगर आप देखें तो यह कोशिश आपको भक्ति मूवमेंट के दौरान भी होती. नहीं, तो भक्ति आंदोलन के साथ, भक्ति आंदोलन में जो प्रक्रिया शुरू हुई, उस प्रक्रिया को सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ने क्या किया, उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम किया. और यह पॉलिटिकल इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो होता वह सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में होता. नहीं, और सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में जब आप देखें, जब इकोनॉमिक इंटरेस्ट का कंफ्लिक्ट शुरू होता भारतीयों के बीच और औपनिवेशिक हितों के बीच, तो वह इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या करता है, वह इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वह आपको पहले इकोनॉमिक नेशनलिज्म का आधार तैयार करता. और यह इकोनॉमिक नेशनलिज्म लेटर ऑन क्या करता, पॉलिटिकल नेशनलिज्म का आधार तैयार करता. यह इकोनॉमिक नेशनलिज्म क्या करता है, यह इकोनॉमिक नेशनलिज्म बाद में पॉलिटिकल नेशनलिज्म का आधार तैयार करता हुआ था. नहीं, तो अगर हम देखें तो यहां तक आते आते वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया एज ए नेशन जो है आप देखेंगे तो एक कॉन्सेप्ट किसका है, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है. और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट जो आपको इमर्ज करता है वह जो है
इंडियन कंसेप्ट है और यह इंडियन कंसेप्ट इंडिया के इंडियाज सोशल एंड वेस्टर्न कंसेप्ट जो है वह आपको एक है वन लैंग्वेज वन एथनिसिटी वन रिलीजन नहीं, और दूसरा कंसेप्ट है जो कि नेशन और नेशनलिज्म के कंसेप्ट को क्या करता है, नेशन और नेशनलिज्म के कंसेप्ट को जो इंडियनाइज करता हुआ आता है। तो नेशन और नेशनलिज्म के कंसेप्ट को जो इंडियनाइज करता हुआ आता उसकी क्या खासियत हमें दिखाई पड़ती। अब देखें तो ये वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म जो है इनिशियली अगर आप देखें डिनाइड इंडिया एज ए नेशन, जिस पर मैं चर्चा कर चुका हूं, लेकिन लेटर ऑन क्या होता, लेटर ऑन जो है या किससे जुड़ता है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से जाकर जुड़ता, और डिवाइड एंड रूल और पॉलिसी से जब यह जाकर के जुड़ता है तो उस स्थिति में आप क्या पाते। तो जब यह डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से जुड़ता है तो उस स्थिति में हिंदू एंड मुस्लिम एज ए सेपरेट नेशन और इसी वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म को कौन स्वीकार करता, इसी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म को मुस्लिम लीग स्वीकार करती है और इसी कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म को वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म को हिंदू महासभा स्वीकार करती और आरएसएस स्वीकार करती नहीं। मुस्लिम लीग जो है मुस्लिम एज ए सेपरेट नेशन की बात करती है और मुस्लिम एज ए सेपरेट नेशन की बात करती हुई आती और इसका इसकी परिणति पृथक पाकिस्तान की मांग के रूप में होती। बातें समझ रहे हैं या नहीं। जबकि यहां हिंदू महासभा और आरएसएस जो है वह जो है आप अगर देखें तो यह पितृभूमि और पुण्य भूमि की अवधारणा देती है और इसके कंटेक्स्ट में देखें ये हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को लेकर आते हैं। इसकी पृष्ठभूमि में देखें तो ये हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को लेकर के आते नहीं? और ये आज जो आपको डायलेक्टिक्स दिखाई पड़ रहे हैं, आज जो द्वंद्व दिखाई पड़ रहे हैं, ये द्वंद्व आज का द्वंद्व नहीं है। बेसिकली अगर आप आकर के देखें तो यह द्वंद्व कॉलोनियल फेज का द्वंद्व है। इस द्वंद्व के बीज आपको 19th सेंचुरी में भी मौजूद दिखाई पड़ेंगे। थोड़ा सा गौर करें, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट को देखें। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की तीन धाराएं हैं, अगर इसको हाथ चला लें, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की तीन धाराएं हैं। पहली धारा जो है जिसको राजा राम मोहन राय नेतृत्व प्रदान करते हुए आते, तो राजा राम मोहन राय जिस धारा को नेतृत्व प्रदान करते हैं आप अगर देखें तो वह जो है वह कहीं ना कहीं इंडिया एज ए सेकुलर नेशन के कॉन्सेप्ट का आधार तैयार करती है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की अवधारणा का आधार तैयार करती हुई आती। लेकिन एट द सेम टाइम देखें लेटर फेज में
दयानंद सरस्वती की, दयानंद सरस्वती और आर्य समाज, दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के नेतृत्व में एक कौन सी धारा सामने आती है? तो एक जो है रिवाइवलिस्ट, रिवाइवलिज्म की धारा सामने आती, पुनरुत्थानवाद की धारा सामने आती। और इस पुनरुत्थानवाद की धारा का रुझान किसकी ओर है? इस पुनरुत्थानवाद की धारा का रुझान जो है वह कहीं ना कहीं हिंदुइज्म की ओर है, इसका रुझान हिंदुइज्म की ओर है। और लेटर फेज में देखें यह पुनरुत्थानवादी धारा जो है वह कहीं ना कहीं किसकी संभावनाओं को बल प्रदान करती है? हिंदू राष्ट्र और हिंदू राष्ट्रवाद की संभावनाओं को बल प्रदान करती हुई आते, जिसके प्रोपागेटर के रूप में वीडी सावरकर का आगमन होता है। नहीं, लेकिन एक तीसरी धारा भी दिखाई पड़ती। तीसरी धारा का प्रतिनिधित्व कौन करते? तो तीसरी धारा का प्रतिनिधित्व सर सैयद अहमद खां करते। यद्यपि सर सैयद अहमद खां को इनिशियली अगर आप देखें तो सर सैयद अहमद खां इनिशियली जो है कहीं ना कहीं सेकुलर ओरिएंटेशन रखते हैं। इनिशियली वो सेकुलर ओरिएंटेशन रखते हैं। इनिशियली अगर सर सैयद अहमद खां को देखें तो मॉडर्न टेम्परामेंट के आपको ज्यादा करीब सर सैयद अहमद खां दिखाई पड़ते। और अगर उसकी पृष्ठभूमि में बात करूं, लेटर फेज में देखें, जब कांग्रेस की स्थापना होती है तो वहां पर देखेंगे सर सैयद अहमद खां का मॉडर्न टेम्परामेंट जो है वो कहीं ना कहीं पीछे छूटता दिखाई पड़ता। और उनका जो है आप कह सकते हैं इस्लामिक ओरिएंटेशन जो है वह कहीं ना कहीं डोमिनेंट होता दिखाई पड़ता। वहां पर देखें डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी और सर सैयद अहमद खां के इस्लामिक ओरिएंटेशन के बीच एक इंटर रिलेशन दिखाई पड़ता, एक सह संबंध दिखाई पड़ता हुआ आता। और आगे इसी चीज का विकास कब होता? आगे इन्हीं चीजों का विकास 1920 के दशक के उत्तरार्ध में जिन्ना के नेतृत्व में होता। और अंततः जो है ये चीजें किसके रूप में सामने आती? सेपरेट नेशन के रूप में, पाकिस्तान के डिमांड के रूप में सामने आती। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप जाकर के देखें, एक इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म का भी आधार तैयार हो रहा। और यह आधार तैयार होता है एसएन बनर्जी के नेतृत्व में, जिनकी बुक आती है इन नेशन इन मेकिंग। और लेटर ऑन अगर आप जाकर के देखें, लेटर ऑन आप जाकर के देखें तो आप क्या पाते? मतलब जो लिबरल कांग्रेस है, लिबरल कांग्रेस जो है SRRM का सेकुलर ट्रेडिशन जो है, जिस सेकुलर ट्रेडिशन को RRMR रिप्रेजेंट करते, इसी को यह डेवलप करता और आगे चल करके गांधी, नेहरू, टैगोर, गांधी, नेहरू और टैगोर उसको डेवलप करते हुए आते। नहीं, टैगोर के यहां देखें अगर, टैगोर के यहां देखें अगर, तो टैगोर नेशनलिज्म से किसकी ओर शिफ्ट कर जाते? इंटरनेशनलिज्म की ओर शिफ्ट कर जाते। नहीं, गांधी और नेहरू को देखें तो गांधी के यहां ये चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं सर्वधर्म संभाव के धरातल पर आकार ग्रहण करती। और नेहरू के यहां अगर आप देखें तो नेहरू के यहां नहीं, तो कहीं ना कहीं इंडिया का मेन
इंडिया एज ए नेशन का जो मॉडल है, यह मॉडल कहां से डेवलप करता है? गांधी और नेहरू के नेशन और नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट के संयोजन से डेवलप करता हुआ आता। और यही कारण है जब भारत स्वतंत्र होता है तो एज ए सेक्युलर नेशन जो है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में जो है, वह अपनी पहचान के साथ उपस्थित होता। आप अगर गौर करें, चाहे कितना भी दुष्प्रचारित किया जाए, आप देखेंगे भारत ने पृथक पाकिस्तान की मांग को तो मतलब उस समय के कांग्रेस राष्ट्रवादियों ने पृथक पाकिस्तान की जो जिन्ना की मांग थी, मुस्लिम लीग की मांग थी, उस मांग को तो स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने किसी भी स्थिति में कभी भी जो है टू नेशन थ्योरी को एडॉप्ट नहीं किया। टू नेशन थ्योरी को वे शुरू से लेकर लास्ट तक रिजेक्ट करते रहे और उसके रिजेक्शन की अंतिम परिणति जो है इंडिया भारत हिंदू राष्ट्र बना नहीं। जिन्ना का भी यही दावा था, हिंदू सावरकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आदि के नेतृत्व में हिंदू महासभा का भी यही दावा था, आरएसएस का भी यही दावा था, लेकिन ना तो जिन्ना के रास्ते पर कांग्रेस चली, ना ही या सावरकर के रास्ते पर चली। इसने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के मॉडल को अपनाया और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के उस मॉडल के द्वारा मल्टीलिंग्विस्टिक जो इस कंडीशन थी, जो मल्टी एथनिसिटी थी, जो मल्टी कल्चरल डायमेंशन इंडियन सोसाइटी और कल्चर के थे, उसने उसको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश की और उसके लिए स्पेस क्रिएट करने का प्रयास किया। ये बातें स्पष्ट हुई? तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी तो फिर रिस्पॉन्ड करना आपके लिए क्या होगा? रिस्पॉन्ड करना आपके लिए कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा। इसका भी ले लेना फोटो। बढ़ो आगे। औपनिवेशिक शोषण परक नीतियों के प्रति प्रतिक्रिया ने औपनिवेशिक सत्ता के प्रति भारतीय प्रतिरोधों की परंपरा इसका स्वरूप स्थिर ना होकर विकसनशील रहा। इस कथन पर प्रकाश डालें।
देखें, प्रश्न है औपनिवेशिक सत्ता के प्रति भारतीय प्रतिरोधों की प्रकृति और भारतीय प्रतिरोधों की प्रकृति पर जो हमें विचार करना है, इसके बदलते स्वरूप के संदर्भ में और ये ध्यान रखेंगे हर टेस्ट में आपको कम से कम 2 से 3 प्रश्न ऐसे मिलेंगे। इसलिए क्योंकि प्रश्न अगर ट्रेडिशनल पूछे जाते हैं तब भी ये एड ऑन का काम करेंगे, और प्रश्न अगर चेंज नेचर के पूछे जाते तो उस स्थिति में इस डायरेक्शन में प्रश्नों के मूव करने की संभावना है। क्योंकि इस प्रश्न को अगर आप देखें तो ये प्रश्न फैक्चुअल नेचर के ना होकर के कंसेप्चुअल नेचर के हैं, तो अगर इस प्रश्न को हमें रेस्पॉन्ड करना है तो हम जो स्टार्ट करें, पहले पैरा में हम उठावें कि औपनिवेशिक शोषण परक नीतियों ने किस प्रकार असंतोष को जन्म दिया, और इस असंतोष की पृष्ठभूमि में प्रतिरोध का आकार ग्रहण करना। नहीं, दूसरा डायमेंशन भारतीय प्रतिरोध का स्वरूप, और भारतीय प्रतिरोधों के स्वरूप पर हम चर्चा करें तो हम 3 कंटेक्स्ट में बात करें। सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी। नाइन्टीथ सेंचुरी को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दें, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ देखे तो एक स्ट्रक्चर इमर्ज कर रहा है। 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में देखा जाए तो प्राइम फोकस कॉलोनियल पॉलिसी का क्या रखता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, नहीं, एंड टू इंश्योर सर्टेनिटी, मतलब भू राजस्व की अधिक से अधिक वसूली को सुनिश्चित करना। और इसकी पृष्ठभूमि में देखा जाए तो भू राजस्व की मात्रा को सुनिश्चित करना, भू राजस्व वसूले गए भू राजस्व में स्थिरता। और इसकी पृष्ठभूमि में अगर आप देखें तो 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में 2 प्रकार के प्रतिरोध दिखाई पड़ते। एक प्रतिरोध आपको दिखाई पड़ता है ट्राइबल रिवोल्ट के रूप में, जनजातीय विद्रोह के रूप में, और दूसरा प्रतिरोध आपको दिखाई पड़ता है
नागरिक विद्रोह के रूप में। तो अगर नागरिक विद्रोह इस दौरान जो भी हुए, फैक्चुअल इनपुट आप दे लेंगे, इस दौरान सिविल रेवेलियन जितने भी हुए हैं वो अगर आप देखें तो स्थानीय, उनकी प्रकृति स्थानीय है, लोकल नेचर के सिविल रिवेलियन है, और कहीं ना कहीं औपनिवेशिक भू राजस्व नीतियों, औपनिवेशिक कृषि नीतियों के ने जिस असंतोष को जन्म दिया है, उस असंतोष की पृष्ठभूमि में आप उसको आकार ग्रहण करते देखेंगे। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि किसानों का शोषण और उत्पीड़न और इससे उपजा हुआ असंतोष जो है वह नागरिक विद्रोहों का आधार तैयार करता हुआ आता। दूसरी ओर अगर आप जाकर के देखें, ट्राइबल रिवोल्ट को देखें, तो जो ट्राइबल रिवोल्ट भी है वो कहीं ना कहीं लोकल इन नेचर है, स्थानीय प्रकृति के। लेकिन इस ट्राइबल रिवोल्ट में देखें तो औपनिवेशिक आर्थिक शोषण के साथ साथ अगर कोई फैक्टर है तो वह है जनजातीय स्वतंत्रता की भावना, क्योंकि जनजातियों के जीवन में औपनिवेशिक हस्तक्षेप जो होता, उस वह औपनिवेशिक हस्तक्षेप उनमें असंतोष को जन्म देता है, और वह असंतोष, तो अगर आप देखेंगे नागरिक विद्रोह की तुलना में जो जनजातीय विद्रोह हैं उनमें उग्रता ज़्यादा दिखाई पड़ेगी, उनमें आक्रामकता आपको ज़्यादा दिखाई पड़ेगी, और हिंसा की गुंजाइश उनमें आपको कहीं ज़्यादा दिखाई पड़ेगी। नहीं, यहाँ पर आप यह देखेंगे कि यहां पर टारगेट भी लार्जर है जनजातीय विद्रोह में। मतलब अगर आप देखें औपनिवेशिक सत्ता में, सॉरी, जनजातीय जीवन में हस्तक्षेप वो औपनिवेशिक सत्ता के द्वारा किया जा रहा हो या स्थानीय स्तर पर जमींदारों और महाजनों के द्वारा, कहीं ना कहीं आप देखेंगे शोषण विरोधी प्रकृति यहां पर ज्यादा मुखर दिखाई पड़ेगी। 19th सेंचुरी में आएंगे तो 19th सेंचुरी में आप देखेंगे, फर्स्ट हाफ की बात करूं तो 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में आप क्या देखते, तो 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में आप यह पाएंगे कि नागरिक विद्रोहों और जनजातीय विद्रोहों की जो परंपरा है वो कंटिन्यू करती है, सिविल रिवेलियन और ट्राइबल रिवेलियन के डिसकंटेंट जो हैं का प्रतिरोध जो है, तो ये दोनों प्रकृति के प्रतिरोध जारी रहते। एक नया फैक्टर जुड़ता है और वह फैक्टर क्या दिखता है, अब यह प्रतिरोध स्थानीयता के दायरे से अलग आकार ग्रहण करता दिखाई पड़ता, और उसे आप सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में ले सकते, क्योंकि 1813 का जो चार्टर है उस चार्टर के जरिए देखें तो भारतीयों के सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप की शुरुआत होती है, और यह हस्तक्षेप कहीं न कहीं औपनिवेशिक सत्ता के सांस्कृतिक स्तर पर प्रतिरोध को जन्म देता है, और इस सांस्कृतिक प्रतिरोध की प्रकृति जो है स्थानीयता और क्षेत्रीयता के दायरे से बाहर निकलती दिखाई पड़ती है, वह अखिल भारतीय स्वरूप ग्रहण करने की ओर अग्रसर है। 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में जाएं तो 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में आप क्या पाएंगे, तो 1855-56 के आसपास संथाल विद्रोह होता है, और संथाल विद्रोह देखेंगे
तो जनजाति संथाल विद्रोह और 19वीं शताब्दी के अंत में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जो मुंडा विद्रोह होता है, तो आप देखेंगे जनजातीय विद्रोहों की परंपरा में संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह का जो है महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि आक्रामकता की दृष्टि से देखें, उग्रता की दृष्टि से देखें, परिणामों की दृष्टि से देखें, नहीं हिंसा की जो इंटेंसिटी है उसके पर्सपेक्टिव में देखें, नेचर में जो कंप्लेक्सिटी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अब तक के विद्रोहों से यह विद्रोह संथाल और मुंडा विद्रोह अलग है। इनमें आधुनिकता के तत्व भी मौजूद हैं, इनकी शोषण परक प्रकृति जो है, शोषण विरोधी प्रकृति जो है, और कहीं ना कहीं स्वतंत्रता की जिस आकांक्षा को इन विद्रोहों में अभिव्यक्ति मिलती है, नहीं जो कि आधुनिक राष्ट्रवाद के इसे करीब लाते हैं, दूसरी ओर इसके जो जनजातीय तत्व हैं और जनजातीय तत्वों के साथ साथ धार्मिकता की जो केंद्रीयता है, यह केंद्रीयता इन विद्रोहों को मध्ययुगीनता की संभावनाओं से लैस करती हुई आती, इसलिए इन विद्रोहों को आद्य आधुनिक आद्य राष्ट्रीय कहा जाता है, प्रोटो मॉडर्न एंड प्रोटो नेशनलिस्ट। 1857 अगर देखें तो 1857 का जो रिवोल्ट है वह एक महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु बनकर आता, क्योंकि आपने देखा सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के जरिए स्थानीयता के दायरे को लांघने की कोशिश की गई, लेकिन राजनीतिक धरातल पर स्थानीयता को के दायरे को लांघने की कोशिश जो है 1857 के विद्रोह में दिखाई पड़ती, जो अखिल भारतीय स्वरूप ग्रहण करने की ओर अग्रसर होता है। अब अगर इसी के परिप्रेक्ष्य में आप जाकर के देखें तो हम कह सकते कि 1857 का रिवोल्ट जो है एक महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु है, और किस संदर्भ में यह महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु है, तो अब तक के प्रतिरोधों की जो परंपरा है और आगे जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इमर्ज करता है, इन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी के रूप में किसका आगमन होता, इन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी के रूप में 1857 के विद्रोह का आगमन होता है। अब अगर इसके परिप्रेक्ष्य में हम देखें 19वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में देखें तो आधुनिक राष्ट्रवादी चेतना से लैस संगठित प्रतिरोध की परंपरा शुरू होती है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस संगठित प्रतिरोध की परंपरा को नेतृत्व प्रदान करता हुआ आता है। 20th सेंचुरी तक आते आते देखेंगे, हाथ चलाइए ना, कैसे लिखिएगा 6 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन, नहीं और शब्दशः लिखने की जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर को पकड़ें, मूल बिंदु को हाईलाइट करें। तो 20th सेंचुरी तक आते आते आप क्या पाते हैं, 20th सेंचुरी तक आते आते आप पाते हैं कि जो प्रतिरोधी आंदोलन है आरंभ में वो स्वराज और स्वशासन के प्रश्न से जुड़ते हैं, और समय के साथ स्वराज और स्वशासन का दायरा क्या होता, तो समय के साथ स्वराज और स्वशासन का दायरा विकसित होता चला जाता। 1920 के दशक तक आते आते देखें तो स्वराज और स्वशासन का प्रश्न जो है मुक्ति के प्रश्न में तब्दील होता हुआ चला जाता 1920 के दशक में, नहीं और धीरे धीरे 1920 के दशक तक के अंत तक आते आते देखेंगे तो आप देखेंगे सत्ता परिवर्तन का प्रश्न जो है महत्वपूर्ण हो जाता,
लेकिन 1930 के दशक तक आते आते देखें तो राजनीतिक मुक्ति का प्रश्न जो है वह सामाजिक आर्थिक मुक्ति के प्रश्न से संबद्ध होता है, जो जो पॉलिटिकल फ्रीडम है, क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम जो है वह उसके सोशियो इकोनॉमिक कंटेक्स इमर्ज करते हैं। और जब सोशियो इकोनॉमिक कंटेक्स इमर्ज करते हैं तो सत्ता परिवर्तन का प्रश्न जो है वह व्यवस्था परिवर्तन के प्रश्न में तब्दील हो जाता है। अर्थात 1930 के दशक तक आते आते व्यापक राजनीतिक सामाजिक आर्थिक मुक्ति की बात जोर पकड़ती दिखाई पड़ती। यद्यपि इस दौरान अगर आप देखें तो इस दौरान प्रतिरोधी आंदोलन के अपने अंतर विरोध भी उभर कर सामने आते। इस दौरान अगर देखा जाए तो प्रतिरोधी आंदोलन के अंतर विरोध भी उभर कर सामने आते, जो अंतर विरोध आजादी बनाम जो अंतर विरोध आजादी बनाम विभाजन के प्रश्न के रूप में तार्किक परिणति प्राप्त करते हैं। राष्ट्रवाद बनाम धार्मिक पुनरुत्थानवाद और सांप्रदायिकता के प्रश्न में रूपांतरित होता हुआ आता। तो अगर मोटा मोटी इस प्रश्न को देखें तो यह प्रश्न किस पर बेस्ड है, यह पूरा का पूरा प्रश्न जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक सामान्य समझ पर आधारित। अगर वो सामान्य समझ है तो आप पूरा का पूरा समेटने की स्थिति में होंगे, क्योंकि आपको टिल फ्रीडम तक प्रतिरोधों की परंपरा और प्रतिरोधों की प्रकृति में किस प्रकार बदलाव आते रहे हैं आपको उनको कवर करना है। क्लियर, बढ़ो आगे। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर टू। जनजातीय विद्रोहों की परंपरा में महत्व का मूल्यांकन करें। अगर इस प्रश्न को देखें तो यह प्रश्न बेस किस पर है, मुंडा विद्रोह। और इस मुंडा विद्रोह का देखें तो एक स्पेसिफिक कंटेक्स है, और वह स्पेसिफिक कंटेक्स क्या है, जनजातीय विद्रोहों की परंपरा में
योगदान एवं महत्व। और प्रश्न का दूसरा डायमेंशन क्या है? संथाल विद्रोह से। बातें स्पष्ट हुई? अगर आप देखें तो क्या हम कह सकते कि प्रश्न के एक ही डायमेंशन है? ऐसा कह सकते नहीं? हाँ या नहीं? पक्का? और मैं अगर कहूं एक ही डायमेंशन है, अगर हम योगदान और जनजातीय विद्रोहों की परंपरा में योगदान और महत्व की चर्चा कर रहे और यहीं पर हम एक ओर संथाल विद्रोह को रखें, दूसरी ओर हम मुंडा विद्रोह को रखें और मुंडा विद्रोह को संथाल विद्रोह के विस्तार एवं विकास के रूप में दिखाने की कोशिश करें तो काम होगा या नहीं होगा? हो जाएगा नहीं? तो हमने पहला डायमेंशन यहां पर जो पिक किया, पहला डायमेंशन हम यह पिक करेंगे कि जनजातीय विद्रोह की परंपरा में देखा जाए तो संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह जो है महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु है नहीं? और ये महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु किस कंटेक्स्ट में है? तो अगर महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु के रूप में देखेंगे नहीं, तो आप यह पाएंगे कि अब तक के जनजातीय विद्रोहों की तुलना में ये कहीं ज्यादा संगठित और व्यवस्थित दिखाई पड़ेंगे, नंबर वन। नंबर टू, अब तक के विद्रोहों की परंपरा में देखेंगे उनकी तुलना में ये कहीं अधिक उग्र और हिंसक दिखाई पड़ते। तीसरी चीज अगर देखें तो औपनिवेशिक सत्ता के साथ साथ पश्चिमी दुनिया ने इन्हें अधिक गंभीरता से लिया। चौथा कंटेक्स्ट देखें तो इन दोनों विद्रोहों में आप देखेंगे इनकी शोषण विरोधी प्रकृति जो है, इनकी शोषण विरोधी प्रकृति औपनिवेशिक सत्ता के दायरे तक सीमित नहीं है। इनकी शोषण विरोधी प्रकृति के दायरे में देशी शोषक भी आ जाते हैं और औपनिवेशिक सत्ता भी आ जाती है। अगेन अगर आप देखें तो ये विद्रोह अपनी प्रकृति में आद्य आधुनिक है, इनमें जो प्रगतिशील तत्व मौजूद है वो इन्हें आद्य आधुनिक बनाते। ये जो है आद्य राष्ट्रवादी हैं। आप अगर देखें जनजातीय स्वतंत्रता की भावना, जनजातीय स्वतंत्रता की आकांक्षा जो है इन दोनों विद्रोहों में कहीं ज्यादा मुखर दिखाई पड़ती। अगेन अगर आप देखें तो एट द सेम टाइम मध्ययुगीन तत्वों की भी इनमें मौजूदगी दिखाई पड़ती। अब अगर इसके परिप्रेक्ष्य में देखें, यहां पर आप स्पेसिफिक मेंशन करना चाहें तो जो दिकू फोर्सेज हैं, दिकू मतलब आउटसाइडर, तो जो दिकू फोर्सेज हैं
उनके अगेंस्ट ये कहीं ज्यादा दिखाई पड़ेंगे, एंटी डिकू नेचर इनका कहीं ज्यादा डोमिनेंट आपको दिखाई पड़ेगा। इनको दबाने के लिए औपनिवेशिक सत्ता को अपनी पूरी की पूरी शक्ति लगानी पड़ी है, और उसके बावजूद आप देखें तो ये दो ऐसे विद्रोह हैं जिनको दबाने में तो औपनिवेशिक सत्ता की को सफलता मिली, लेकिन उन दोनों के सकारात्मक परिणाम भी सामने आते। एक के सकारात्मक परिणाम के रूप में देखें संथाल परगना, एक के सकारात्मक परिणाम के रूप में संथाल परगना टेनेंसी एक्ट है, संथाल विद्रोह की तार्किक परिणति, और मुंडा विद्रोह की तार्किक परिणति किस रूप में सामने आती। तो मुंडा विद्रोह की तार्किक परिणति जो है वह छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के रूप में सामने आती, जो आज भी आपको प्रभावी दिखाई पड़ती। मतलब व्यापकता, गहराई, तीव्रता और परिणामों की दृष्टि से देखा जाए तो ये दोनों जो है महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु बनकर आते। अब अगर देखें जितने बिंदुओं की चर्चा की, दोनों में काफी सिमिलरिटी है, संथाल विद्रोह में भी और मुंडा विद्रोह में भी। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखें, रिलीजियस फैक्टर ने दोनों विद्रोह में अहम भूमिका निभाई है। नहीं, बस फर्क क्या होता, संथाल विद्रोह से जैसे मुंडा विद्रोह की ओर हम बढ़ते हैं उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ती चली जाती है। नहीं, संथालों की तुलना में मुंडा विद्रोह को देखे तो ज्यादा ऑर्गेनाइज दिखाई पड़ता, रिलीजियस फैक्टर मुंडा विद्रोह में आपको ज्यादा डोमिनेंट दिखाई पड़ता। अगेन अगर आप देखने की कोशिश करें तो मुंडा विद्रोह का विस्तार भी देखें, 1855-56 में संथाल विद्रोह होता और दबा दिया जाता, नहीं, लेकिन मुंडा विद्रोह करीब करीब आपको एक दशक तक चलता है। मुंडाओं के द्वारा जो प्रतिरोध हुआ पूरे के पूरे 1890 के दशक तक हुआ प्रतिरोध चलता है, और बिरसा को देखे खुद को भगवान घोषित करते हुए आते। नहीं, एक और फैक्टर देखेंगे मुंडा विद्रोह में कि जो प्रोग्रेसिव नेचर है मुंडा विद्रोह का, प्रगतिशील प्रकृति जो है, प्रगतिशील तत्व मुद्रा मुंडा विद्रोह में वो आपको कहीं ज्यादा डोमिनेंट दिखाई पड़ते। बजाबता देखेंगे तो जो सोशल रिचुअल्स और कस्टम्स हैं उनके प्रति जो उनका रवैया रहा है, या फिर आप देखेंगे पशुबलि जो है, या फिर आप देखेंगे मोरल एंड एथिकल कंडक्ट का कंटेक्स जो है, नहीं, सेल्फ इवैल्यूएशन और रिफॉर्म की जो टेंडेंसी है वो चीजें यहां पर ज्यादा डोमिनेंट दिखाई पड़ेगी। क्लियर? तो ये पर्सपेक्टिव है जिस पर्सपेक्टिव में इसे रिस्पॉन्ड किए जाने की आवश्यकता थी। बढ़ो आगे। सर, जो आप आधुनिक और आदि राष्ट्रीय कह रहे हैं, और आद्य शब्द का मतलब क्या हुआ? हमने कहा प्रोटो मॉडर्न, यही ने कहा, और दूसरा हमने कहा प्रोटो नेशनलिस्ट। इस प्रोटो का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ आधुनिकता और राष्ट्रवाद के आदिम रूप की झलक। इसके आदिम रूप की झलक, आदिम रूप का मतलब यह बहुत डोमिनेंट नहीं है,
क्लियर कट आपको मॉडर्न रिवॉल्यूशन की कैटेगरी में आप नहीं रख सकते, पूरी तरह से आप इसको नेशनलिस्ट ढांचे में फिट नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए क्योंकि इसमें देखेंगे मध्ययुगीन तत्व मौजूद हैं, और मध्ययुगीन तत्व की मौजूदगी क्या करती है, मध्ययुगीन तत्वों की यह मौजूदगी इन्हें हमें आधुनिक घोषित करने से और राष्ट्रवादी कहने से रोकती है। और ये मध्ययुगीन तत्व दो रूपों में मौजूद हैं, एक तो धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका का बने रहना, और दूसरा तत्व क्या है, जनजातीय तत्व जो है। ये बातें स्पष्ट हुई या नहीं? मतलब इसकी झलक उसमें देखी जा सकती है। ये चीजें बहुत स्पष्ट नहीं है लेकिन उसकी झलक देखी जा सकती है। क्लियर? बढ़ूं आगे? तीसरा प्रश्न क्या है? INM में धर्म और राजनीति को लेकर गांधी के प्रयोगों एवं